हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कक्षा 10 गणित का अध्याय नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद प्रश्नावली 2.3 का। आज हम इसका तो ये तीसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ सकता है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। इसलिए आपने इसको किया होगा तो आपको लगा होगा कि हाँ यार, ये कुछ हार्ड है क्वेश्चन। तो हार्ड नहीं है, मेरे मतलब हार्ड नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ईजी है, समझने में फेयर होता है, क्योंकि आप लोग अभी उतना ज़्यादा फेज नहीं किए हो क्वेश्चन को, इसलिए ट्राई करेंगे तो आ जाएगा। चलो लगा के दिखाता हूँ मैं आपको ये क्वेश्चन कह के आ रहा है। देखें ये इसके, और हाँ एक बात बता दें कि इसके पहले हमने इस चैप्टर के बहुत इस चैप्टर के और पहला चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। अगर वो वीडियो अगर आपको देखनी है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगी। आइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 ऐसा है कि अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब इसके जितने भी शून्य थे उनको ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्य रूट में 5/3 और माइनस में रूट में 5/3, मतलब कह रहा है कि दो शून्य हमने दे दिए भैया इसके, आप और जितने हो सकते हैं इसके शून्य आप बताइए हमें। तो ठीक है, बता देंगे। पहले तो ये हमने देखा था कि शून्य जब भी हम निकालते हैं तो जीरो के बराबर कर देते हैं और जो आता है वही कह देते हैं शून्य है हमारा। तो इसका मतलब ये शून्य है तो यक्स बराबर ये आ रहा होगा और यक्स बराबर ये आ रहा होगा, तभी तो ये दोनों शून्य है। तो आओ पहले शून्य से हम एक गुणनखंड बना लेते हैं, शून्य से एक गुणनखंड बना लेते हैं, उससे बहुपद बना लेंगे। क्या कह रहे हैं देखो ध्यान से, ये ऐसे रहा होगा यक्स बराबर 5/3 अंडर रूट के अंदर ऐसे रहा होगा, एक शून्य का रहा होगा, और ये वाला भी ऐसे रहा होगा यक्स बराबर माइनस में अंडर रूट के अंदर 5/3 ऐसे रहा होगा ना। फिर हमने क्या किया होगा, मतलब ऐसे ऐसे शून्य आए होंगे दोनों, तो इसको पहले हम इधर कर लेंगे जिससे हम गुणनखंड बना सकें। देखो इसको इधर कर लेंगे तो एक्स माइनस अंडर रूट में 5/3 हो जाएगा यहाँ पे, और बराबर इधर कुछ नहीं बचेगा, जीरो। फिर ये वाला कैसे करेंगे, एक्स इसको इधर ले लो तो प्लस अंडर रूट में 5/3, और इधर कुछ नहीं बचेगा तो जीरो बचेगा। बात समझ में आ रही ना, चलो इसके आगे बढ़ें। अब देखो ये वाला और ये वाला कैसे रहा होगा, तो हमने शून्य निकाला होगा, ये वाला और ये वाला ऐसे रहा होगा एक्स माइनस अंडर रूट में 5/3, और ये वाला x प्लस में अंडर रूट में 5/3 बराबर जीरो ऐसे रहा होगा। सेम समझ आ रहा ना, चाहे तो आप बराबर जीरो मत भी लगाए ना भी लगाइए, ऐसे रहा होगा। तो आपने इसको शून्य निकालने के लिए एक बार इसको जीरो किया होगा, एक बार इसको जीरो किया होगा, वही तो यार वही तो है। अब हमने गुणनखंड बना लिया, चलो इसको गुणा करके बहुपद बना लेते हैं। लेकिन गुणा हम क्यों करें, हमें तो एक फॉर्मूला पता है। देखो ना, ये a माइनस बी, अगर इसको a मान लें, इस पूरे को b मान लें, तो a माइनस बी और फिर ये a प्लस बी, ये आपने एक सुना फार्मूला होगा a माइनस बी और a प्लस बी, ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी। आपको ये फार्मूला याद होगा, बहुत ही छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, 6th and 7th में, ठीक है। तो वही फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो मतलब इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देता हूँ, तो ये ए और ये बी, ये ए ये बी, तो एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 5/3 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर तो ऐसे रहने दो माइनस, देखो इस रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो 5/3 आएगा, ठीक है ना। इस 3 को यहाँ दे दो, 3x² - 5/3, ठीक है, ये हमारा एक बहुपद आया। जब बहुपद की बात करते हैं तो जो बटे में होता है उसको कंसिडर नहीं करते हैं। इसको शायद मैंने एक बार बताया था आपको, आज फिर बता दे रहा हूँ, और ना बताया हो तब भी अभी जान लीजिए आप कि बहुपद की बात करते हैं जब हम, तो नीचे बटे में क्या है उसको कंसिडर नहीं करते, बटे में अगर कॉन्स्टेंट हो तो उसको कंसिडर नहीं करते। तो ये जो हमारा आया है, अब इसको क्या करें, इससे इसमें डिवाइड कर दें, इससे भाग कर दें। तो चलो भाग करना स्टार्ट करते हैं, तो मैं भाग यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ, भाग इधर करने की कोशिश करता हूँ। इस पूरे को भाग करना है तो इस पूरे को पहले मैं ऐसे बना के लिख लेता हूँ, भाग के अंदर
थ्री एक्स की पावर फोर प्लस सिक्स एक्स क्यूब माइनस टू एक्स की घात दो माइनस में टेन एक्स माइनस में फाइव, इसको भाग करना है भैया, ठीक है। किससे? ये जो हमारा नया बहुपद आया है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव, भाग करें। चलो भैया भाग करते हैं। तो मैं देखो थ्री एक्स की पावर फोर में, थ्री एक्स की पावर फोर में अगर थ्री एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो एक्स स्क्वायर से फोर की पावर टू हो जाएगी और थ्री से थ्री कट जाएगा, मतलब हमको एक्स की पावर दो, मतलब एक्स की घात दो बार हमको लेके जाना पड़ेगा इसका पहाड़ा, ठीक है। तो आइए करते हैं, इसको गुणा करो भाई, थ्री इसमें करेंगे तो थ्री एक्स की पावर फोर हो जाएगा, इसको फिर इसमें करेंगे माइनस पाँच एक्स स्क्वायर, घटाएंगे, घटाते टाइम चिन्ह बदल देते हैं, बहुत दिनों से सिखा रहा हूँ, ये वाला पूरा चैप्टर ही भाग का था, आप सीख गए होंगे भाग करना। चलो ये दोनों कट जाएंगे और ये प्लस का, ये प्लस का, देखो ये एक्स की पावर क्यू थ्री है, एक्स की घात थ्री वाले को एक्स की घात दो वाले में नहीं जोड़ते हैं, एक्स की घात दो वाले को एक्स की घात दो वाले में जोड़ेंगे, चाहे वो इधर उधर हो, टेढ़ मेढ़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान से जोड़िएगा। तो ये छः एक्स की पावर तीन, छः एक्स की पावर तीन का कोई भी नहीं है जोड़ने के लिए, तो इसको ऐसे उतार लो, प्लस में है तो प्लस में उतारा है मैंने, ये प्लस में ये माइनस में दो एक्स स्क्वायर पाँच एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों क्या होगा जुड़ घट जाएंगे, तो इसके पास माइनस इसके पास प्लस है तो घटेगा और ये बड़ा है इसका निशान लगेगा, पाँच में से दो गया तीन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी दो संख्याएं और बची हैं, इसको भी ऐसे उतार लो दस एक्स माइनस पाँच, ठीक है, ऐसे उतार दे, चला करो भाग करते समय। अब इसका डिवाइड करेंगे इसमें, तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं, छः एक्स की घात तीन में डिवाइड करना है तीन एक्स का की घात दो, तो एक्स की घात दो से तो यहाँ पे एक ही बचेगा, ये कट जाएगा, इससे काटेंगे तो दो आएगा, तो मतलब दो एक्स है हमको गुणा करना पड़ेगा, प्लस का यहाँ प्लस है इसलिए प्लस, प्लस का दो एक्स से गुणा करेंगे, तो गुणा करो दो एक्स से भैया, दो तिहाई छः एक्स क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, माइनस प्लस का माइनस, दो पंजे दस और एक्स भी है, घटाओ, घटाते टाइम चिन्ह बदल देते हैं, फिर से बताया ये प्लस हो जाएगा ये माइनस, ये कट गया। अब ये एक प्लस है ये माइनस है, लेकिन याद रहे इसके पास एक्स है, इसके पास एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर में नहीं जुड़ सकता, एक्स में नहीं जुड़ सकता, तो एक्स स्क्वायर को ऐसे उतार लो, थ्री एक्स स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों देखो कट रहे हैं, इससे ये पूरा कट रहा है ना, ये एक प्लस का एक माइनस का है, दस एक्स में से दस एक्स घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, आप चाहे तो ऐसे समझ सकते हो, माइनस पाँच बचा है इसको उतार लो, देखो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस पाँच और थ्री एक्स स्क्वायर माइनस पाँच कितनी बार पढ़ा जाना चाहिए, एक बार चलो दिखा भी देते हैं, यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर में अगर डिवाइड करेंगे थ्री एक्स स्क्वायर से तो ये एक बार पढ़ा जाएगा, तो मतलब हमको प्लस का एक बार पढ़ा ले जाएंगे तो एक से इसमें पढ़ेंगे तो तब भी उतना आएगा, एक से इसमें पढ़ेंगे तब भी उतना आएगा। अब घटा लेते हैं, घटा देते हैं चिन्ह बदल जाते हैं, बदल दिया हमने, ये कट गया ये भी कट गया, हमारे पास जो नया बहुपद आया है उसी का शून्यक निकाल देंगे, वही हमारा इसका शून्यक होगा, इसके और दो शून्य होंगे, चलो निकालते हैं इसका, एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स प्लस का वन, ठीक है, इसके शून्य क्या होंगे निकालें, तो मैंने कहा था इसके शून्य निकालते समय लास्ट वाले के अचर पद को और एक्स स्क्वायर के गुणांक को गुणा करते हैं, एक गुणे एक मतलब एक एक कम एक, ठीक है, तो बीच वाले को ऐसे सेट करना होता है कि बीच वाले गुणा करने पर बीच वाला है, बट जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए, जोड़ने घटाने पे क्या हो, जोड़ने घटाने पे बीच वाला आना चाहिए, गुणा करने पे इन दोनों का गुणा आना चाहिए, समझ गए होंगे आप, पिछले क्लास में मैंने बहुत अच्छा समझा था, वन प्लस वन, देखो वन प्लस वन को इसको लिख सकता हूँ, तो वन प्लस वन लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स है ना, एक एक्स प्लस एक एक्स और प्लस का एक है, अब ये दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स और एक्स में से कॉमन लेंगे तो एक्स निकलेगा, तो एक्स यहाँ बचा और प्लस का यहाँ पे एक्स निकाल लिया तो एक बचा, इधर सेम इधर भी, इधर से कुछ नहीं मिल रहा तो एक निकाल लो बाहर, तो एक्स प्लस वन, देखो इस वाले ब्रैकेट में इस वाले ब्रैकेट में सेम डिजिट सही है, इसका मतलब हमारा सवाल सही जा रहा है, तो अब इन दोनों में से भी निकाल लेंगे तो एक्स प्लस वन ये बचा और ये बचा, तो ये भी एक्स प्लस वन,
ठीक है ना, एक बार फिर से यहाँ सीख ले। देखो ये वाला और ये वाला सेम है, इन दोनों को एक करके बाहर निकाल लिए और हमारे पास अब ये बचा और ये बचा, तो इसको अलग ब्रेकअट में लिख दिए। ठीक है, अब ये इन दोनों को इन दोनों का शून्य निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, एक बार इसको जीरो के बराबर, एक बार इसको जीरो के बराबर। तो देखो शून्य सेम ही आने वाला है, तो कहाँ करें कहाँ करें कहाँ करें, आइए थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं सवाल को, क्योंकि सवाल आपने उतार लिया होगा, मिटा देते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको सवाल। हो भैया यहाँ पे आ जाए, एक बार x प्लस वन को जीरो, x प्लस वन बराबर जीरो, एक बार x प्लस वन बराबर जीरो, दोनों बार। तो x बराबर माइनस एक आएगा, एक शून्य, और यहाँ भी x बराबर माइनस एक आएगा, दूसरा शून्य। क्लियर है ना, देख लो आप, x बराबर माइनस एक, x बराबर माइनस एक, तो दो शून्य और आ गए इसके। तो वो जो क्वेश्चन था उसमें बताया गया था कि दो शून्य दिए गए हैं आपको, और दो शून्य और दो, इसके और जितने शून्य हैं उनको ज्ञात करो, तो इनके दो शून्य और बन सकते हैं, माइनस एक और माइनस एक, तो वो भी हमने निकाल दिया। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था, पहले भाग करना था, पहले आपको गुणनखंड बना लेना था, फिर गुणनखंड से बहुपद, बहुपद से भाग कर देना था, फिर भाग करके जो भागफल आए उसका शून्य निकाल देना था, ऐसे ये सिखाया था मैंने शुरू में आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम इसके एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इस पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको करके हमारा ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। फिर अगले चैप्टर से हम शुरू करेंगे, कौन सा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युक्त। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।